हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउस। इस चैनल पर मिलती है आपको एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो, एग्ज़ाम लाइक बैंक, एसएससी एंड रेलवे। इनमें आने वाले सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस और बैंकिंग करंट अफेयर, इन सबको मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूँ, जिसमें मैं पहली मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, जो कि एसएससी और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। इससे मैक्सिमम 60 या 8 क्वेश्चन बनते हैं और उसका पहला पार्ट मैं लेकर आ चुका हूँ वैदिक सभ्यता का, और ये दूसरा पार्ट है जो कि कंप्लीट वीडियो है। उसके बाद वैदिक सभ्यता कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो जिसने वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ पहले पहला वीडियो देखें, उसके बाद यह वीडियो देखेंगे। तो मैं लेकर आता हूँ पहला आर्य सभ्यता, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। आर्य सभ्यता यह थी एक ग्रामीण सभ्यता और भाषा थी इसकी संस्कृत। इसमें बस मेन पॉइंट याद रखना है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे बसे। आर्य सर्वप्रथम आए पंजाब व अफगानिस्तान में, और ये सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता, और भाषा थी संस्कृत, और ये पेय पदार्थ था इनका सोमरस। ये चूँकि ये ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए ये किस पे डिपेंड करते थे, पशुपालन पर और कृषि पर। इसीलिए इनके देवता कौन थे, इंद्र, क्योंकि इंद्र होते हैं बारिश के देवता। सो ये बारिश पर डिपेंड करते थे, इसलिए इनके देवता थे इंद्र। और माल ढोने के लिए करते थे घोड़े का उपयोग, इसलिए इनका प्रिय पशु भी कौन था, घोड़ा। इस तरह से को याद रखना है। अब आता है उपनिषद। भारतीय समाज में 108 तरह के उपनिषद पाए जाते हैं, और उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। यह क्वेश्चन एक नंबर का एसएससी में आ चुका है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, और 4 डिफरेंट ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से सही उत्तर था गुरु के समीप बैठना। इनकी संख्या है 108, और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसको याद करना है आपको, मेन पॉइंट इसकी यही थे। और नेक्स्ट महाकाव्य, ये सबको पता है महाकाव्य कौन कौन से हैं भारतीय समाज के, रामायण और महाभारत। इसमें जो क्वेश्चन आ चुका है पहले, वह है महाभारत का प्राचीन नाम। महाभारत का प्राचीन नाम था जय संहिता। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और इनकी रचयिता याद होनी चाहिए आपको। रामायण की रचयिता है वाल्मीकि, और महाभारत की रचयिता है वेदव्यास, और प्राचीन नाम है जय संहिता। अब इसके आप नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, और यहाँ से एक भी पॉइंट बाहर से नहीं बनेगा, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अब भारतीय समाज में 6 तरह के दर्शन पाए जाते हैं। सांख्य दर्शन जो जिनका है वह है कपिल, योग दर्शन है पतंजलि का, जो हम सब जानते हैं, बाबा रामदेव जी की जो प्रोडक्ट कंपनी है वो भी है पतंजलि, न्याय है गौतम बुद्धा का, पूर्ण मीमांसा है जैमिनी, उत्तर मीमांसा है वादरायण का, वैशेषिक है कनाद का। जिसमें ये ऊपर के 3 हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये दर्शन हमें याद रखने हैं, सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि और न्याय गौतम। स्मृति साहित्य यह मनुस्मृति द्वारा लिखा गया, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद है एकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है आपको, एकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ वाला पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई कई बुकों में नहीं दिया होता ये, इसलिए आपको ये वाला पॉइंट याद रखना ही है, ये कई बुक में नहीं मिलेगा आपको, एकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉ। अब आता है वेदांग। भारतीय समाज में 6 वेदांग हैं, नंबर याद रखने हैं बस, कितने वेदांग हैं भारतीय समाज में, 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। क्वेश्चन नहीं आया है, बट क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेदांग कितने होते हैं, 6। पुराण है 18, और जो इसका क्वेश्चन आ चुका है वो है लोम हर्ष और उग्रश्रवा, जो कि इसके संकलन करता था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी कि पुराण की संख्या है 18, और इसके संकलन करता कौन है, लोम हर्ष और उग्रश्रवा। नाव आश्रम है भारतीय समाज में 4, ये सबको पता है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और प्रयाग पुरुषार्थ हैं 4, ये भी सबको पता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय समाज में 16 संस्कार हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट नंबर पूछा था मैंने, इसलिए 16 संस्कार के नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, केवल इतना आएगा कितने संस्कार हैं भारतीय समाज में, हमें मेंशन करना है 16। अब है सांख्य दर्शन, जो पहले पढ़ चुके हैं हम, सांख्य दर्शन कपिल जी का है, और कपिल सांख्य दर्शन है जो सबसे प्राचीन दर्शन है। इसका 25 तत्व होते हैं, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है।
और लास्ट है इसका सत्यमेव जयते, यह उपनिषद में लिखा है मुंडोपनिषद से, सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं, 4, 5, 6, 7 कितनी बार आ चुके हैं ये, सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडोपनिषद से। तो आज के लिए बस इतना ही, और यह वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 था, जो कंप्लीट वैदिक सभ्यता मैंने फिनिश करवा दी आपको। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी सिंधु सभ्यता की, जिसमें मैं ट्रिक लेकर आऊँगा आपके लिए कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है, और उसको देख लेने के बाद आपका सिंधु सभ्यता का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए वो सब क्लियर हो जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड प्रेस बेल आइकन।